सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने आज उद्योग बंधुओं के साथ मीटिंग की है और सीतापुर पहुंचे हुए हैं, एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि आज जो आपकी मीटिंग रही ओमयू को लेकर, आज क्या कुछ खास रहा? देखिए, लगभग 28,000 करोड़ से ज़्यादा का एमओयू हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम सब लोग को जिम्मेदारी ये सौंपी है कि जो भी एमओयू साइन हुआ है उन सब को ग्राउंड पे उतारने का अगले 6 महीने के अंदर, और जो भी उद्यमियों को परेशानी आती है उन सबकी सुनकर और उसका निराकरण करने का उनकी मदद करें। नैमिष विकास को लेकर प्रयास कर रही है सरकार, कब तक धरातल पर साकार होगा? देखिए, भारत में जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उन सब के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही भव्य तरीके से नैमिष का विकास होगा। मैंकेश्वर शरण सिंह, जो प्रदेश की आजकल हालात चल रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं सामने, समाजवादी पार्टी उस पर क्या स्टैंड कर रही है, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, पार्टी इसके ऊपर जो भी बयान देंगे, और बल्कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता उन्होंने ही कहा है कि ये विधानसभा में सवाल उठाएंगे। अब विधानसभा में उनको सवाल उठाने दीजिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। लेकिन बयानबाजी करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या बताया जाए, बयानबाजी कुछ मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। सुशांत जी, 2024 में किस तरीके की तैयारी चल रही है और निकाय चुनाव क्या मानते हैं आप? ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अप्रैल माह में निकाय चुनाव हो सकते हैं। हाँ, लगभग तैयारी अप्रैल के ही करीब की है और आयोग की इसमें आ जाए रिपोर्ट, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर हम लोग निकाय में भी बहुत ही प्रबल तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से सभी पार्टियों से बहुत आगे है। और जहाँ तक 2024 लोकसभा है, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी अभी करीब ही होगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये हैं जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह, जिनका कहना है कि जो है अभी फिलहाल 2024 चुनाव में उन्हें नहीं लगता कोई भारतीय जनता पार्टी के करीब में भी है। दूसरी बात, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए जा रहे बयानों पर फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।